वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी राजे, अज असी करांगे गुरु अंगद देव जी बारे। गुरु अंगद देव जी जो सिखां दे दूजे गुरु होए दा जन्म मार्च 31, 1540 ईस्वी नूं होया। उन्हां दे पिता जी भाई फेरू त्रेहल खत्री गोत्र नाल संबंधित सन अते पंजाब दे जिला मुकतसर विखे एक पिंड मत्ते दी सराए विखे एक व्यापारी सन। हाँ जी, गुरु जी का विआह बीबी खीवी पुत्री देवी चंद नाल होया, जिन्हां दी कुखों आप दे दो पुत्र दासू अते दातू अते दो पुत्रियां बीबी अमरो ते बीबी अनोखी दा जन्म होया। आप जी ने खडूर साहिब दी स्थापना कीती। आप जी ने मल अखाड़ा दी भी स्थापना परंपरा नूं शुरू कीता। गुरु अंगद देव जी दे दो सपुत्र सन, पर उन्हां ने अपने 73 साल दे शिष्य अमरदास जी नूं, जो कि भला गुत्र दे खत्री सन, तीजे गुरु दे रूप विच चुनिया। 1552 नूं मार्च विच गुरु साहिब खडूर साहिब विखे ज्योति जोत समा गए। आप जी दी प्रसिद्ध रचना है भाई बाले वाली जन्म साखी, जो कि गुरु नानक देव जी दी जीवनी है। हाँ जी, इस तो बाद असीं अगे होर क्वेश्चन करांगे। राजे, श्री गुरु अंगद देव जी नाल संबंधित क्वेश्चन, सिखां दे दूजे गुरु कौन सन? उत्तर है गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी का जन्म कदों होया? उत्तर है 1504 ईस्वी विच। गुरु अंगद देव जी का जन्म कित्थे होया? उत्तर है मत्ते दी सराए श्री मुकतसर साहिब विखे। गुरु अंगद देव जी की माता जी का नाम दसो? उत्तर है सबराई देवी जी। गुरु अंगद देव जी के पिता जी का नाम की सी? उत्तर है फेरूमल जी। गुरु अंगद देव जी का मुढ़ला नाम की सी? उत्तर है भाई लहणा जी। गुरु अंगद देव जी ने गुरु गद्दी कदों प्राप्त की? उत्तर है 1539 ईस्वी विच। भाई लहणा जी ने गुरु अंगद का नाँ किसने दिता? उत्तर गुरु नानक देव जी ने। गुरु अंगद देव जी का विआह किस नाल होया? उत्तर है बीबी खीवी जी दे नाल। गुरु अंगद देव जी के पुत्र का नाँ की सी? उत्तर है दातू अते दासू, दो पुत्र होए सी। गुरु अंगद देव जी दियां पुत्रियां दे नाम लिखो? उत्तर है बीबी अमरो अते बीबी अनोखी। गुरु अंगद देव जी का धार्मिक सरगर्मियों का केंद्र कौन है? उत्तर है खडूर साहिब। गुरुमुखी लिपि नूं किस गुरु साहिब ने लोकप्रिय बनाया? उत्तर गुरु अंगद देव जी ने। गोइंदवाल साहिब की नींह किसने रखी? गोइंदवाल साहिब की स्थापना किस गुरु जी ने की? उत्तर है गुरु अंगद देव जी ने। गोइंदवाल साहिब की नींह कदों रखी गई? उत्तर है 1546 ईस्वी विच। सिख पंथ के विकास विच गुरु अंगद साहिब जी का एक महत्वपूर्ण योगदान है? जो क्वेश्चन आएगा, गुरु अंगद देव जी ने सिख धर्म के प्रसार लिए की किया? उत्तर है उन्होंने गुरमुखी लिपि को हरमन प्यारा बनाया। उदासी मत का संस्थापक कौन सी? उत्तर बाबा श्री चंद जी। उदासी मत का तुहाडा की भाव है? उत्तर उदासी मत विच सन्यासी जीवन ते जोर दिता जांदा सी। केड़ा मुगल बादशाह गुरु अंगद देव जी नूं खडूर साहिब विच मिलिया? जो क्वेश्चन है, केड़ा मुगल बादशाह गुरु अंगद देव जी नूं मिलन आया? उत्तर है हिमायूं। मुगल बादशाह हिमायूं ने किहड़े सिख गुरु साहिब तो आशीर्वाद लिया? उत्तर है गुरु अंगद देव जी तो। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन जिहड़े इंपोर्ट MCQ है गुरु अंगद देव जी दे नाल संबंधित, सिखां दे दूजे गुरु कौन सन? हाँ जी, उत्तर है गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी का जन्म कदों होया? उत्तर है 1504 ईस्वी विच। गुरु अंगद देव जी का जन्म कित्थे होया? उत्तर है मत्ते दी सराए। गुरु अंगद देव जी का मुढ़ला नाम की सी? उत्तर है भाई लहणा जी। गुरु अंगद देव जी दे माता जी कौन सन? सॉरी, इस तो पहला है गुरु अंगद देव जी दे पिता जी कौन सन? उत्तर है फेरूमल जी। गुरु अंगद देव जी दे माता जी का की नाम सी? उत्तर है सबराई देवी जी। गुरु अंगद देव जी दी पत्नी कौन सी? बीबी खीवी जी। गुरु अंगद देव जी कदों गुरुगद्दी ते विराजमान होए? हाँ जी, 1539 ईस्वी विच।
जी अगला क्वेश्चन, गुरु अंगद देव जी धार्मिक सरगर्मियां दा गुरु अंगद देव जी दी धार्मिक सरगर्मियां दा केंद्र केड़ा सी? उत्तर है खडूर साहिब। किस गुरु साहिब ने गुरमुखी लिपि नू हरमन प्यारा बनाया? उत्तर है गुरु अंगद देव जी ने। उदासी मत दा संस्थापक कौन सी? हाँ जी उत्तर है बाबा श्री चंद जी। गुरु अंगद देव जी ने किस नगर की स्थापना की थी? हाँ जी उत्तर है गोइंदवाल साहिब। केड़ा मुगल बादशाह गुरु अंगद देव जी नू मिलन खडूर साहिब आया? हाँ जी उत्तर है हिमायू। गुरु अंगद देव जी कदों ज्योति जोत समाए? 1552 ईस्वी। ये सी कुछ गुरु अंगद देव जी नाल रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ।